एंड सड़क के साथ ही यहाँ पर एक घास का मैदान है जो कूड़ा जो है वो फेंक देते हैं। सो वो जो आप लोकेशन देख रहे हो वहाँ पे जो घर बिल्डिंग्स बनी है ये यहाँ के होटल्स है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज है हमारे टास्क का 10वां दिन और जैसा कि आपको मैं पिछले 3-4 दिन से बता रहा हूँ कि शिमला का जो वेदर है वो काफ़ी ख़राब हो रखा है। अभी पिछले कल भी बहुत तेज़ बारिश शिमला में हुई है और जिससे कि जो ठंड है वो भी थोड़ी सी बढ़ गई है। तो अगर आप शिमला आने का प्लान कर रहे हो तो अपने साथ स्वेटर या फिर जैकेट लेकर जरूर आए क्योंकि ठंड जो है वो सुबह शाम काफ़ी हो चुकी है। और हमारा आज का व्लॉग होने वाला है काफ़ी खास क्योंकि आज मैं आपको लाया हूँ शिमला से 15 किलोमीटर दूर मशोबरा नाम की एक जगह पे। तो मशोबरा के बिल्कुल पास में ही तलाई नाम की एक जगह पड़ती है और शिमला का एक काफ़ी फेमस पिकनिक स्पॉट भी है ये। तो शिमला के जो लोकल लोग हैं वो भी बहुत यहाँ पर आते हैं अपनी पिकनिक मनाने के लिए एंड दूसरा बहुत से टूरिस्ट भी है वो यहाँ पर आते हैं। सो शिमला का काफ़ी अच्छा ऑफ बीट प्लेस है ये। सो अगर आप भी शिमला आ रहे हो तो आप यहाँ पर विजिट जरूर कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे 3-4 चीज़ें और भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। एंड बाकी आप रोड देख सकते हो, रोड काफ़ी अच्छा है, चारों तरफ पेड़ है और बिल्कुल बीचों बीच जो है सड़क गई है, पूरी मेटल रोड है, अच्छा रोड है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आपको। एंड और यही रोड आगे जाकर जो है जो इसका मेन रोड है मेन रोड में जाकर मिल जाता है क्योंकि ये लिंक रोड है जो कि मशोबरा से कटता है और आगे जाके कोटी रिजॉर्ट सदोड़ा नाम की जगह पे मिल जाता है। बाकी इस डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए मशोबरा ये तलाई जो एरिया है यहाँ पहुंचने के लिए आप जो है अपने लिए कैब बुक कर सकते हो शिमला से सीधा मशोबरा तलाई के लिए या फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हेल्प से भी यहाँ पर आ सकते हो। बट मैं आपको यही सुजेस्ट करूँगा कि अगर आप इस लोकेशन पर घूमने के लिए आते हो तो आप जो है टैक्सी या फिर कैब बुक कर ही यहाँ पर आइएगा क्योंकि इस लोकेशन के बाद आगे भी आपको 2-3 लोकेशंस और मिल जाती है, नालदेहरा तत्तापानी जैसी लोकेशंस और भी मिल जाती है। सो टैक्सी या कैब करके ही आप जरूर आइएगा। एंड ये यहाँ पे ओक ट्री की पत्तियाँ पड़ी है और ये जो मैक्सिमम पूरा जंगल है ओक ट्री का जंगल है, ओक ट्री के साथ साथ यहाँ पर देवदार जो सिडार ट्री है वो भी आपको मिल जाती है। एंड ये आप साइड में देख रहे होंगे पाइपलाइन है और इसी रोड से कंटिन्यू शिमला तक ये पाइपलाइन गई है। तो लगभग ये आपकी 30 किलोमीटर लंबी लाइन बिछी हुई है ये। सो यहाँ पर एक गुम्मा नाम की जगह पड़ती है, वहाँ से ये पाइपलाइन गई है एंड शिमला मॉल रोड जो रिज है रिज मैदान तक। सो शिमला का जो पूरा पीने का पानी है वो इसी लाइन के थ्रू शिमला जाता है। अभी का वेदर भी बहुत अच्छा बना है, जस्ट ज़्यादा धूप नहीं है बट हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है और हल्का हल्का गर्म भी है, कोजी कोजी सा फील हो रहा है अभी। एंड बादल है अभी आसमान में और हो सकता है कि शाम तक भी बारिश हो जाए क्योंकि अभी 3-4 दिन लगातार बारिश का बता रखा है। तो शिमला का जो वेदर है वो मैक्सिमम शाम के समय 3-4 बजे के बाद जो है वो ख़राब हो जाता है एंड देन बारिश। सो फाइनली पहुंच चुके हैं हम उस डेस्टिनेशन पे। सो इस डेस्टिनेशन का नाम है तलाई मशोबरा एंड ये है वो प्यारी सी डेस्टिनेशन, प्यारा सा एक पिकनिक स्पॉट जहां पर अगर आप शिमला आए हो तो घूमने के लिए आप आ सकते हो। तो ये देखो सेंटर से बिल्कुल रोड जा रही है, पार्किंग के लिए बहुत सी गाड़ी आप लगा सकते हो साइड में एंड सड़क के साथ ही यहाँ पर एक घास का मैदान है, बहुत बड़ा मैदान है। सो यहाँ पर आप अपना पूरा डे स्पेंड कर सकते हैं एंड देन अगर आपका यहाँ पर कुछ खाने पीने का मन है सो आप यहाँ पे शर्मा होम स्टे नाम की ये जगह है। सो यहाँ पर आप जो है अपना फूड अपनी ब्रेवरेज इंजॉय कर सकते हैं एंड हाँ अगर आपका रहने का भी यहाँ पर मन है तो आप यहाँ पर भी अपने लिए रूम बुक करवा सकते हैं। ओके सो ये आप देखिए। सो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये लोकेशन और ये आप देखिए चारों तरफ देवदार और ब्लू पाइन की ट्रीज़ एंड ठीक इसके बीच में बनी है एक तालाब। सो चलिए आगे हम चलेंगे बट उससे पहले यहाँ पर एक बोर्ड लगा है। सो नालदेहरा यहाँ से 8 किलोमीटर है और कोटी रिजॉर्ट 4 किलोमीटर है और 4 किलोमीटर के बाद ये जो रोड है ये रोड मिल जाता है मेन रोड में जाके। सो यहाँ से अगर आपको आगे भी जाना हो नालदेहरा तत्तापानी के लिए तो इसी रोड से आप वापस जा सकते हो। एंड ये है यहाँ का बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू और आज जो व्यू है बहुत ही प्यारा बना है क्योंकि बादल है, बादल के बीच में आसमान दिखाई दे रहा है आपको बढ़िया सा एंड यहाँ से सेंटर में बिल्कुल तालाब है एंड देन यहाँ पर एक स्टेज भी बना है
और ये जो स्टेज है, क्योंकि यहाँ पर जो है हर सितंबर मंथ में एक मेला होता है, सो इस तालाब के बिल्कुल पास में एक मंदिर भी है, काली माता का मंदिर है। तो चलो वहाँ चलते हैं पहले एंड देन फिर वापस आते हैं। एंड अब हम निकलेंगे वहाँ उस तरफ और उस तरफ से देखेंगे इस लोकेशन का व्यू, क्योंकि उस लोकेशन से भी बहुत प्यारा व्यू जो है वो यहाँ का देखने को मिल जाता है। एंड उससे पहले यहाँ पर एक तालाब बना है एंड इसमें भी काफ़ी मछलियाँ रहती है, बट लोग जो आते हैं वो अपनी हरकतों से तो बाज आते नहीं हैं, सो इसमें जो है उठपटांग जो कूड़ा जो है वो फेंक देते हैं, सो मछलियाँ भी ऐसे में फिर जीवित नहीं रह पाती। और शिमला है यहाँ से 16 किलोमीटर। सो ये है यहाँ से मंदिर के लिए रास्ता एंड ये है वो लोकेशन जहाँ पर अभी हम थे। हम उस रोड से आए शिमला से होते हुए, देन हमने वो सारा एरिया कवर किया एंड देन हम यहाँ से हम सीधे मंदिर की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन पर ये मंदिर बना है एंड लोकेशन भी आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारी है। बाकी कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि यहाँ की जो लोकेशन है वो आपको कैसी लगी। एंड उस रास्ते से ऊपर आने के बाद ये है सामने का व्यू और ये आप देखिए, ज़रूर बताइएगा कि व्यू आपको कैसा लगा। एंड आज का जो वेदर है वो भी बहुत अच्छा है, नीचे पूरा ग्रीन बना है एंड अप साइड पे जो आसमान है वो ब्लू हो रखा है एंड ये है वो ब्यूटीफुल सी लोकेशन। सो इसके बाद मैं अपने शूज़ उतार लेता हूँ एंड देन उसके बाद हम चलेंगे मंदिर की तरफ। शूज़ उतारने के बाद जस्ट अपने हाथ पैर धो लेंगे एंड देन करेंगे इस मंदिर पे विजिट। सो ये है मंदिर की स्टेयर्स एंड ये है मंदिर का एंट्री गेट और अब हम अंदर जाएंगे मंदिर में, बट अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, सो हम अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी नहीं करेंगे। सो मंदिर के दर्शन करने के बाद अब मैं यहाँ पे कुछ मंदिर आपको दिखाता हूँ। तो ये शिव जी का मंदिर यहाँ पर है, ये माँ काली का मंदिर है एंड देन इस मंदिर के साथ ही आगे को गार्डन है काफ़ी अच्छा, तो आगे की तरफ हम चलेंगे। बट आप यहाँ पर इस मंदिर की भव्यता देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सोने का बना हो जैसे। जो इसकी झालर लगी है साइड में, जो इसकी वुडन कार्विंग हुई है बहुत ही प्यारी सी हुई है एंड ये है यहाँ का एक गार्डन एंड यहाँ पर बैठ के भी आप अपना डे स्पेंड कर सकते हैं। और ये आप देखो, ये है वो मंदिर जहाँ हम अभी गए थे और यहाँ पे लगा है बेंच, और इस बेंच से मैं आपको दिखाता हूँ कि सामने का व्यू कैसा दिखता है। ये आप देखो, यहाँ से बैठे बैठे ही आपको काफ़ी अच्छा व्यू जो है वो देखने को मिल जाता है एंड आसपास यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे फ्लावर्स लगे हैं, वही फ्लावर्स है जो मैं आपको असल में कई वीडियोज़ में मैं दिखाता भी रहता हूँ, डेजी, कॉमन डेजी फ्लावर्स एंड ये यहाँ का व्यू। सो ये थी वो लोकेशन जो मुझे आपको दिखानी थी, शिमला का एक बेस्ट ऑफ बीट प्लेस, तलाई इधर का नाम है। सो यहाँ पर भी आप अगर शिमला आए हो तो विज़िट कर सकते हैं एंड इसके बाद हम चलेंगे वापस नीचे उसी लोकेशन पे एंड थोड़ी देर वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करेंगे एंड देन फिर मैं निकलूँगा यहाँ से सीधा आगे घर के लिए। सो अब देख सकते हैं काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पर आ चुकी है, तो जो टूरिस्ट है काफ़ी यहाँ पर आता है, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी 10-15 गाड़ियाँ लगी है यहाँ पर, बट दिन तक कई बार काफ़ी भीड़ यहाँ पे हो जाती है। एंड यहाँ पर आप रूम भी बुक कर सकते हैं और नंबर आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप यहाँ का। एंड तो इस डेस्टिनेशन से आगे भी मुझे जाना ही है, तो आगे का व्लॉग भी मैं यहाँ से बना रहा हूँ, सो आगे भी आप देखते रहिए। तो आज का जो वेदर है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा वेदर बना हुआ है, चारों तरफ ग्रीनरी है, आसमान नीला है एंड बारिश हो रखी है, उस वजह से जो मौसम है, जो वेदर है काफ़ी क्लीन हो रखा है। बाकी ये जो डेस्टिनेशन है, यहाँ पर शिमला का एक बहुत ही फेमस मेला होता है, सो सितंबर में वो मेला होता है। सो उस मेला में पहले क्या होता था, जब एनिमल एक्ट लगा उसके बाद से वो मेला बंद हो गया, बट पहले क्या होता था, जब वो उस मेले में मैक्सिमम टाइम जो भैंसे होते थे, जो मेल बफेलोज होते थे उनकी फाइट करवाई जाती थी, बट जैसे ही एनिमल एक्ट आया वो बंद कर दिया गया, देन उसके बाद कुछ कल्चरल जो प्रोग्राम थे वो यहाँ पे करवाए गए। सो अब मैक्सिमम कल्चरल जो प्रोग्राम है वही यहाँ पर होते हैं, तो सितंबर में मैक्सिमम वो जो मेला है वो यहाँ पे होता है। यहाँ से थोड़ा आगे जाते ही लगभग आपका 500 मीटर उस डेस्टिनेशन से आगे चलते ही
एक और बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह है क्रेगनेनो नेचर पार्क। सो क्रेगनेनो नेचर पार्क के ऊपर भी मैं एक अलग से पूरा व्लॉग लेकर आऊँगा। एंड यहाँ से 200 मीटर आगे आते ही आपको एक और डेस्टिनेशन मिलती है, बहुत ही प्यारी डेस्टिनेशन है, क्रेगनेनो नेचर पार्क नाम की यहाँ पर एक जगह पड़ती है। सो ये आप देख सकते हैं यहाँ का एंट्री गेट है। नेक्स्ट आने वाले व्लॉग्स में मैं इस डेस्टिनेशन पे भी जरूर आपके लिए एक वीडियो बनाकर लाऊंगा। सो काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी अच्छी डेस्टिनेशन है ये भी। एंड इसी डेस्टिनेशन के बिल्कुल पास में लगभग 15 मिनट वॉक करने के बाद मेरा जो घर है, मेरा जो गाँव है वो आ जाता है। सो अब मैं आपको अपने गाँव का व्यू दिखाता हूँ यहाँ से। ये मेरे पीछे जो आप व्यू देख रहे हो ये मेरे पूरे गाँव का व्यू है। एंड यहाँ से वो जो बिल्कुल लास्ट में जाकर आपको घर दिखाई दे रहा है वो है मेरा घर एंड मेरा गांव, और ये मेरे गांव के आसपास का एरिया जो भी आप सारा ये देख रहे हो। एंड ये एक काफ़ी बड़ा बगीचा है सेब का, बल्कि एप्पल रिसर्च सेंटर है ये। सो यहाँ पे कई तरह के पौधों के ऊपर भी रिसर्च होती रहती है। एंड देन वो जो आप लोकेशन देख रहे हो वहाँ पे जो घर बिल्डिंग्स बनी है ये यहाँ के होटल्स है। सो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर अपने लिए होम स्टे या होटल भी बुक करवा सकते हैं। सो ये था मेरा आज का व्लॉग वीडियो, जिसमें कि मैं आपको एक शिमला के एक काफ़ी फेमस ऑफ बीट डेस्टिनेशन पे लाया था, मशोबरा इस जगह का नाम था। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप शिमला आते हो तो यहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हो, काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी सुकून आपको मिलने वाला है। सो ये था मेरा आज का व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। Oh, 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 oh.